ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वर्कातुहु मैं सलीमा बेगम माउन मौलिमा सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल कोड़गल बलारी वेस्ट से हूँ। संवेदा ई क्लास जमात पंजुम मजमून माहौलियाती मुताला सबक नंबर 6 दूसरा यूनिट। आप इससे पहले पहला यूनिट ले चुके हैं, अब मैं दूसरे यूनिट पर आपको समझाइश करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और खुश आमदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं माहौलियाती मुताले के ताल्लुक से सबक ले रही हूँ। अच्छा बच्चों, आप तमाम अपनी अपनी नोटबुक कलम लेकर तैयार हो जाओ, गौर से सुनो, देखो और अहम नुकात को कलम बंद करो। तो बच्चों चलो मैं आज आपको चंद तस्वीर बता रही हूँ, इसको आप गौर से देखो और समझो। तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक तस्वीर है, बहुत ही खूबसूरत है, आप देख रहे होंगे। अच्छा बच्चों, तो ये दूसरी तस्वीर देखो, यहाँ पर रंग बिरंगे पतंग हैं, वो उड़ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो इस तस्वीर में क्या है, और ये तस्वीर देखो बच्चों, आप तमाम ऐसी सरगर्मी कर चुके होंगे और खेल चुके होंगे इस खिलौने से। तो बच्चों यहाँ पर देखो, इस तस्वीर में सूरज हैं, बादल हैं और पेड़ पौधे भी हैं। बच्चों यहाँ पर देखो कई दरख्त हैं, वो तमाम झूल रहे हैं। तो बच्चों आप तमाम इन तस्वीर को गौर से देखे होंगे और समझ चुके होंगे कि इसके ताल्लुक से मैं आपको चंद सवालात करना चाहती हूँ। तो बच्चों आप इन सवालात के जवाब देंगे ना इंशाल्लाह। समंदर में आपने क्या देखा? बच्चों समंदर में आपने पानी और जहाज को देखा। तो दूसरा सवाल है बच्चों देखो, सूरज कब दिखाई देता है? बोलो बच्चों सूरज कब दिखाई देता है? सूरज दिन में दिखाई देता है, शाबाश। तो बच्चों तीसरा सवाल है यहाँ पर देखो, दरख्त क्यों झूल रहे थे? दरख्त हवा की वजह से झूल रहे थे, शाबाश, बहुत खूब बहुत खूब। तो बच्चों आज हम हवा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। चलो बच्चों आज हम हवा के ताल्लुक से, दूसरा यूनिट है, इससे पहले आप जान चुके हैं हवा के ताल्लुक से, अब मैं दूसरा सबक लेने जा रही हूँ। इसी हवा के दूसरा यूनिट आपको मालूमात, दूसरे यूनिट में हवा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आज हम ज़ैल के इक्तिसाबी नुकात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। क्या है इक्तिसाबी नुकात, तो हम इस पर गौर करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आज हम हवा के खसूसियात मालूम करेंगे, दूसरा है हवा के इस्तेमालात की फहरिस्त बनाएंगे, और उसके बाद हवा की आलूदगी को जानेंगे, आलूदा हवा के असरात को मालूम करेंगे, और हवा की आलूदगी की रोकथाम। इन तमाम नुकात पर आज हम गौर करने वाले हैं बच्चों। तो चलो आज हम इन तमाम नुकात पर गौर करेंगे, और जो भी अहम नुकात हैं उसको आप कलम बंद करते जाएंगे। सबसे पहले आज हम देखो बच्चों यहाँ पर एक तस्वीर है, इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? यहाँ पर एक गाड़ी है, इसका टायर पंचर हो गया। जब मोटर गाड़ी का ट्यूब पंचर हो जाए तो क्या होता है बच्चों? क्या होता है आप तमाम जान चुके हैं, आप रोजाना देखते होंगे कि मोटर गाड़ी का टायर के अंदर से हवा निकल गई तो क्या होता है, तुम्हारी गाड़ी आगे नहीं जाती है। यहाँ दूसरी तस्वीर है देखो बच्चों, यहाँ पर चूल्हा जलाने के लिए क्या किया जा रहा है, आपने इससे क्या सीखा? तो बच्चों देखो यहाँ पर चूल्हा जलाने के लिए एक औरत चूल्हे को फूंक रही है। क्यों फूंक रही है? चूल्हा जलाने के लिए हवा का होना जरूरी है। तो बच्चों आज हम हवा के ताल्लुक से अहम नुकात को जानेंगे। चलो बच्चों सबसे पहले हम हवा के अहम नुकात को देखेंगे। हवा एक कुदरती वसीला है। तो बच्चों कुदरती
कुदरती का माना क्या है बच्चों? कुदरती अल्लाह की दी हुई नेमत है। तो इसी तरह अल्लाह ताला की नेमतों में से पानी भी एक नेमत है, कुदरती है, जमीन एक कुदरती है, सूरज की रोशनी भी एक कुदरती है, तो इसी तरह हवा एक कुदरती वसीला है। समझ चुके ना बच्चों? हवा एक कुदरती वसीला है। तो बच्चों हवा को क्या कहते हैं? बाद कहते हैं। हवा को क्या कहते हैं? बाद, बाद यानी हवा। तो बच्चों आप सुने होंगे बाद पैमा भी कहते हैं, क्योंकि हवा को नापने वाले आले को बाद पैमा कहते हैं। हवा का दूसरा नाम बाद है, हवा को बाद कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, हवा के बगैर कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। जानदार ही नहीं, इसके साथ नबातात भी जिंदा नहीं रह सकते। बच्चों हमें जिंदा रहने के लिए हवा का होना बेहद जरूरी है। हवा के बगैर कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता, ना ही नबातात भी जिंदा रह सकते। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? और एक, हवा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। महसूस का माना क्या है बच्चों? एहसास करना, मालूम करना। देखो अब हमारे जिल्द के ऊपर कुछ गर्म पड़ता है तो मालूम होता है कि अरे गर्म हो गया। ठंडा पड़ता है तो ठंडा ठंडा लग रहा, तो इसे क्या कहते हैं? हम एहसास, मालूम करना कहते हैं, एहसास कहते हैं। तो हवा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्यों? हवा हमें दिखाई नहीं देती, कैसा महसूस कर सकते हैं? जैसे कपड़ों का उड़ना, पत्तों का हिलना और कागजों का उड़ना, कूड़ा क्रिकेट का उड़ना, इसे हमें कह सकते हैं कि हवा जोर से आ रही है, हवा उड़ा रही है। तो हमें सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हवा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हवा दिखाई नहीं देती। बच्चों क्या हमें हवा दिखाई देती है? नहीं, हमारे अतराफ अकनाफ हवा है, हर जगह में हवा है, हवा हमें दिखाई नहीं देती, मगर हवा हर जगह मौजूद है। हवा में कुव्वत है। कुव्वत के माने क्या है बच्चों? कुव्वत के माने एक ताकत। हवा में ऐसी ताकत है जैसे हर चीज को उड़ा ले जाती है, जैसे घरों का, घरों की छतें उड़ना, और उसके साथ साथ शीटें, घरों के ऊपर शीटें डाले रहती हैं, वो शीटें उड़ना, कचरा उड़ना, ये तमाम क्या है? हवा में कुव्वत है, हवा उड़ाती है और हवा ढकेलती भी है। जैसे आप सड़क पर चलते हो तो बाज औकात में तुम्हें धक्का सा महसूस होता है, तो धक्का सा महसूस होता है तो क्या मालूम होता है? कि हमें बाद ढकेल रही है, हवा हमें ढकेल रही है, हमारे कदम दो कदम आगे चले जाते हैं, तो हमें मालूम होता, हमें एहसास होता कि हमें हवा ढकेल रही है। हवा क्या है? उड़ाती है। जैसे हवा में पतंग का उड़ना, कागज का उड़ना, आप जान चुके हैं, आप खेल चुके हैं, और बाज औकात आप जाते होंगे, हवा क्या है? उड़ाते रहती है। हवा में क्या है? हवा ऐसी ऐसी चीजें को, रास्ते के पूरे कचरे को साफ कर देती, और ये ही नहीं, सहरा के अंदर पूरे रेत को उड़ा देती है हवा। हवा में इतनी ताकत है, हवा उड़ाती है। तो बच्चों यहाँ पर देखो दूसरा क्या है? हवा वजन रखती है। हमें कैसा मालूम कर सकते हैं कि हवा वजन रखती है? हवा को हम छू नहीं सकते, हवा को हम देख नहीं सकते, हवा को हमें पकड़ नहीं सकते, तो हमें कैसे मालूम होता है कि हवा वजन रखती है? तो यहाँ पर बच्चों हमें छोटा सा तजुर्बा करके देखेंगे कि हवा वजन रखती है। और दूसरा क्या है बच्चों? यहाँ पर हवा जगह घेरती है। हवा जगह घेरती है, जैसे टायर में हवा का भरना, टायर का पंचर होना, आप जान चुके हैं। तो हमें यहाँ भी एक छोटा सा तजुर्बा करके देखेंगे बच्चों कि हवा कैसे जगह घेरती है। इसके बाद क्या है बच्चों? हवा जलने में मदद देती है। आप देखे होंगे हर चीज यहाँ पर जलती है। कमरे में एक दिया लगाए तो वो जलता रहता है। कमरे में क्या है? पूरे अतराफ हमारे हवा है, फिर भी वो जल रहा है, बुझ नहीं रहा है। तो हवा क्या है? जलने में देती। जैसे कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, चूल्हे का जलना, इनसे मालूम होता है कि हवा जलने में मदद देती है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक छोटा सा तजुर्बा करेंगे। देखो यहाँ पर एक लड़का क्या है, अपनी नाक को बंद किया हुआ है। हम अपनी नाक को थोड़ी देर के लिए दबाएं तो फौरन क्या है, हमें नाक छोड़ देते हैं, हाथ निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें घबराहट सी महसूस होती है। हम हर वक्त अपनी नाक के जरिए हवा अंदर ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं। ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है बच्चों। हवा का होना हमारे लिए बेहद बेहद जरूरी है, बगैर हवा के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इससे आप मालूम कर चुके, आप इस तजुर्बे को थोड़ी देर के लिए करें, बहुत देर तक अपनी नाक को ना दबाएं। देखो बच्चों आप भी थोड़ी देर तक के लिए अपने नाक को दबाएं तो क्या महसूस होता है? हमें घबराहट सी महसूस होती है। तो हम क्या करते हैं? फौरन अपने नाक को
अपने हाथ को निकाल देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, हवा हर जगह मौजूद है, हवा हर जगह मौजूद है। हमें कैसे मालूम करेंगे कि हवा हर खाली जगह में मौजूद है? इसके लिए हम एक छोटा सा तजुर्बा करेंगे। सबसे पहले बच्चों एक बोतल लें, बोतल लेने बॉटल, इसमें आधा पानी डालें, फुल नहीं डालना, आधा पानी डालें और इसे बंद कर दें। इस बोतल को क्या करेंगे, औंधा करेंगे। औंधा करेंगे तो क्या होगा, पानी में बुलबुले निकलने लगते हैं। तो इससे मालूम होता है कि खाली जगह में हवा मौजूद है, आधे हिस्से में पानी है, आधे हिस्से में क्या है, हवा है। तो इसमें हवा है या नहीं हम जानने के लिए हमारे बोतल को क्या करेंगे, हमें औंधा करेंगे। औंधा करने से क्या होता है बच्चों, पानी नीचे की तरफ जाता है, वो हवा क्या है, बुलबुले की शक्ल में ऊपर की तरफ जाती है। तो इससे मालूम होता है कि हर खाली जगह में हवा मौजूद है। तो यहाँ पर और एक तजुर्बा है बच्चों, हवा जगह घेरती है। कैसे मालूम होता है कि हवा जगह घेरती है? देखो बच्चों, एक गुब्बारा लो, यहाँ पर तस्वीर को आप गौर से देखो कि एक गुब्बारा थोड़ी हवा भरने से थोड़ा फूलता है, और थोड़ी हवा भरने से और थोड़ा फूलता है, और ज्यादा हवा भरने से बहुत ज्यादा फूल जाता है। तो इससे मालूम होता है कि हवा जगह घेरती है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक गुब्बारा लिए, गुब्बारे को क्या है, तुम हवा भरो, हवा भरने के बाद उसके मुंह को बंद कर दो, बंद करने के बाद एक प्लेट के अंदर रख दे, तो वो पूरा प्लेट क्या है, समा जाता है। एक खाली गुब्बारा प्लेट के अंदर रखने से क्या होता है, थोड़ी सी जगह समाती है, और भरे हुए गुब्बारा क्या होता है, पूरे प्लेट के अंदर समा जाता है। तो हमें इससे मालूम होता है क्या, नहीं मालूम होता है कि हवा जगह घेरती है। देखो, एक गुब्बारा लो, इसमें हवा भरो और एक बर्तन में रख दो, तो गुब्बारा इस बर्तन में समा जाता है। आप जान चुके हैं ना बच्चों, हवा जगह घेरती है। आप मालूम कर लिए ना, आप इस तजुर्बे को घर में करके देखना। तो दूसरा है बच्चों, और एक क्या है, खाली प्लास्टिक की थैली लो। आप इसको रोजाना करते हुए देखते होंगे, अपने घरों के खाली प्लास्टिक को लेकर इसके सरे को बांधो तो थैली क्या हो जाती है, फूल जाती है, फूल जाती है। इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर हवा है। अब इस प्लास्टिक की थैली को आप जोर से दबाते जाएंगे तो वो प्लास्टिक की थैली में हवा रहने की वजह से दबता नहीं, और जोर डालेंगे तो क्या हो जाती है, एक फट सी आवाज आकर हवा बाहर निकल जाती है और तुम्हारी थैली टूट जाती, फट जाती है। तो जान चुके हैं ना बच्चों। अब दूसरा है, और दूसरा तजुर्बा है, हवा वजन रखती है। देखो बच्चों, हवा वजन रखती है, हमें कैसे मालूम कर सकते, हवा को हम छू नहीं सकते, हवा को हम पकड़ नहीं सकते, हवा को हम किस तरह तोलेंगे, हवा को तोलने के लिए क्या चाहिए? तो यहाँ पर अपने एक तस्वीर को देखो, यहाँ पर इस तस्वीर में है दो गुब्बारे और एक छड़ी है, दोनों गुब्बारों को फूंक कर, दोनों गुब्बारों में हवा भरकर उसके दोनों सरे को बांध दिया गया। देखो बच्चों, यहाँ पर एक दोनों क्या है, एक सा है, और एक तरफ की लकड़ी में क्या है, एक गुब्बारा ऊपर की तरफ गया हुआ है, एक गुब्बारा नीचे की तरफ गया हुआ है। तो इसके तालों से मैं आपको तजुर्बा बताती हूँ। सबसे पहले बच्चों, दो गुब्बारे लो, दोनों में हवा भरो और तागे से इसके मुंह को बांधो। एक लकड़ी की छड़ी या पाइप लेकर इसके दोनों सरे पर गुब्बारे को बांधो, और छड़ी के बीचों बीच एक रस्सी से बांधो जिसको हम पकड़ सके, और दोनों को तराजू की तरह उठाओ और देखो दोनों का वजन एक है। फिर क्या करो बच्चों, एक गुब्बारे को पिन से इसकी हवा निकाल दें तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, जिसमें हवा है वो गुब्बारा नीचे की तरफ झुक जाएगा। इससे मालूम होता है कि हवा वजन रखती है। देखो बच्चों, मालूम हुआ नहीं, हवा वजन रखती है। तो बच्चों अब क्या है, हवा जलने में मदद देती है, इसके लिए हम एक तजुर्बा करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है कि मोमबत्ती जल रही है। अब इस कमरे में हवा है और यहाँ पर एक मोमबत्ती रखी हुई है, ये जल रही है। तो हवा में क्या है, मोमबत्ती जलती है। और इधर देखो बच्चों, और एक तस्वीर है, इसके ऊपर एक गिलास औंधा मारा गया है। तो इसके लिए हम एक तजुर्बा करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर ये बच्चा क्या है, एक सरगर्मी कर रहा है। तो इस सरगर्मी को आप गौर से देखो। सबसे पहले बच्चा क्या किया है, एक मोमबत्ती लेकर उसे जलाओ तो बहुत देर तक जलती रहेगी और रोशनी देती रहेगी। दूसरी मोमबत्ती लो तो इसे जलाओ तो वो जलने लगेगी। जलती हुई मोमबत्ती पर एक गिलास औंधा ढक दें तो मोमबत्ती थोड़ी देर तक जलती है और बाद में बुझ जाएगी। इससे ये मालूम होता है कि हवा जलने में मदद देती है। बच्चों, आप इस सरगर्मी को करेंगे ना घर में, आप करके देखो कि हवा किस तरह जलने में मदद देती है।
हवा को हवा जलने के लिए हवा नहीं रही तो वो मोमबत्ती क्या हो जाती है, तुम्हारी बुझ जाती है। इससे मालूम होता है कि हमें हवा अशिया के जलने में मदद देती है। देखो बच्चों, यहाँ पर चूल्हा जलाने के लिए भी फूंका जा रहा है। आप इसको गौर से देखो, अपने घरों में इस तरह कर चुके होंगे शायद। तो बच्चों यहाँ पर तस्वीर को देखो, यहाँ पर क्या है, ये तस्वीर में धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री है, कारखाना है, और इधर पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारे सवारियां हैं, सवारियों से धुआं निकल रहा है, यहाँ पर पटाखे जलाए जा रहे हैं, एक तरफ गिर्दो गुबार जलाया जा रहा है, एक तरफ टायरों को जलाया जा रहा है। इससे आपको क्या मालूम हुआ बच्चों, क्या मालूम हुआ, थोड़ी देर तक सोचो आप। देखो इससे क्या मालूम हुआ, ये क्यों दिखाई जा रही है तस्वीर। चलो बच्चों, मैं आपको इस तस्वीर के ताल्लुक से मजीद मालूमात फराहम करूंगी। सबसे पहले हवा की आलूदगी, यानी आलूदगी का माना क्या है बच्चों, गंदगी। हवा की आलूदगी यानी हवा गंदी हो रही है। तो किस तरह हमारी हवा गंदी हो रही है, आप तस्वीर को बगौर से देख चुके हैं। तो इसके ताल्लुक से मैं अब बताऊंगी, हवा में कीमियाई अशिया धूल खुर्दबीनी जर्रात शामिल होने से हवा आलूदा होती है। अब बच्चों आप तस्वीर में देखो, यहाँ पर गिर्द गुबार उड़ रहा है और धूल उड़ रही है, उसके ऊपर क्या है, धुआं सा शामिल है। तो ये धुआं, ये गिर्द गुबार क्या है, हमारे हवा में मिल जाने से हमारी हवा क्या होती है, आलूदा होती है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, कारखाने से निकलने वाले धुएं से हवा आलूदा होती है। देखो बच्चों यहाँ पर कारखाना दिखाया जा रहा है, देखे कारखानों की चिमनियों में से मोटा मोटा धुआं निकल रहा है। ये धुआं कहाँ जा रहा है, ये धुआं हमारे हवा में मिल जाने की वजह से हमारी हवा आलूदा होती है। देखो बच्चों और क्या है, यहाँ पर सवारियां जा रहे हैं, देखो गौर से देखो, सवारियों से क्या है, पिछले हिस्से से मोटा मोटा धुआं निकल रहा है। तो ये धुआं कहाँ जा रहा है, ये धुआं हमारे हवा में मिल जा रहा है, हमारे हवा में शामिल हो रहा है। तो ये सवारियों से निकलने वाले धुएं से भी हवा आलूदा होती है, समझ गए ना बच्चों। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट जलाया जा रहा है, यहाँ पर पटाखे जलाए जा रहे हैं। आप देख चुके होंगे दिवाली में, बहुत खास कर दिवाली में पटाखे जलाए जाते हैं, तो वहां पर क्या रहता, हर तरफ धुआं ही धुआं रहता है, रोशनी धुआं रहता है। आप देख चुके होंगे ना, आप सोचे थोड़ा तो नहीं सोचे, तो आज मैं इसके ताल्लुक से बताऊंगी। देखो बच्चों, कूड़ा करकट पटाखे जलाने से जो धुआं निकलता है, इस धुएं में बारीक बारीक काले जर्रात हवा मिल जाने से हवा क्या हो जाती, हमारी मुजीर हो जाती। मुजीर का माना क्या है बच्चों, जहरीली हो जाती है। थोड़ी देर तक पटाखे जलाते वक्त वहां सामने खड़ो तो हमें क्या हो जाती, सांस में घुटन शुरू हो जाती, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो मालूम हुआ इसमें क्या है, जहर होता है, जहरीली हवा से हमें क्या होती, घुटन सी महसूस हो जाती है। कूड़ा क्रिकेट पटाखे जलाने से धुआं जो निकलता है, इस धुएं में बारीक बारीक काले जर्रात हवा में मिल जाने से हवा हमारी क्या हो जाती है, मुजीर हो जाती है। तो बच्चों हवा की आलूदगी इसे ही कहते हैं। तो हवा की आलूदगी किस तरह हो रही है बच्चों, तो देखो यहाँ पर हवा में कीमियाई अशिया धूल खुर्दबीनी जर्रात, खुर्दबीनी यानी हमारी आंखों को दिखाई न देने वाले जर्रात, बारीक बारीक जर्रात जो खुर्दबीन के जरिए से देखी जाती हैं, ऐसे बारीक बारीक जर्रात क्या है, हवा में शामिल होने से हमारी हवा क्या हो रही है, आलूदा हो रही है। तो और क्या है, कारखानों से देखे ना आप, कारखानों से निकलने वाले धुएं से हवा आलूदा होती है। सवारियों से, कारखानों से, कूड़ा क्रिकेट जलाने से जो धुआं निकलता है, इस धुएं में बारीक बारीक काले जर्रात हवा में मिल जाने से हवा हमारी क्या हो जाती है बच्चों, मुजीर हो जाती है, यानी जहरीली हो जाती है। आप मालूम कर चुके होंगे अब हवा किस तरह आलूदा हो रही है। आलूदा का माना क्या है, गंदा है, यानी हमारी हवा गंदा, किससे गंदी, कैसी हो रही है, कारखानों से हो रही है, सवारियों से हो रही है, कूड़ा क्रिकेट जलाने से हो रही है। तो इन तमाम से क्या हो रही है, हमारी हवा गंदी हो रही है। तो ऐसी हवा को हमें किस तरह रोक सकते हैं, ऐसी हवा हमारे लिए क्या है, सेहत के लिए नुकसानदायक साबित होती है। ऐसी हवा हम रोजाना लेते रहेंगे तो हमारी सेहत को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है बच्चों। तो अब इसे हमें किस तरह रोकेंगे, तो बच्चों आओ जानेंगे हमें इसे रोकने के तदाबीर क्या है, हवा की
आलूदगी को रोकने की तदाबीर क्या है, इसके ताल्लुक से हम आप जानेंगे। तो यहाँ पर तस्वीर में देखो बच्चों, कारखाना है, कारखानों की चिमनियां क्या है, ऊंची ऊंची है, दिखाई दे रहे आपको, और ऊंची ऊंची चिमनियों में से क्या निकल रहा है, हवा। वो हवा किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ना के हमारे निचले हिस्से में आ रहा। ये हवा ऊपर जाने की वजह से क्या हो रहा, हमारी हवा पाक और साफ रहती है। देखो बच्चों, कारखानों से खारिज होने वाले कीमियाई फुजलात को हवा में शामिल होने से रोकने के लिए कारखानों की चिमनियों को ऊंचा उठाना चाहिए, ताकि धुआं ऊपरी सतह पर खारिज हो। मालूम हुआ बच्चों? यहाँ पर देखो तस्वीर को गौर से देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, इसको शमसी हीटर कहते हैं, इसको शमसी कुकर कहते हैं, और इसको शमसी चूल्हा कहते हैं, और इसको गैस कहते हैं। ये तो गैस आपके हर घर में होगा, आप सब बच्चे देख चुके हैं। तो ये क्या है, गैस है। तो बच्चों ये गैस है, गैस में है ना आपके घरों में रोजाना पकाया जाता है, तो इससे क्या धुआं निकल रहा क्या बच्चों? नहीं, नहीं ना, धुआं नहीं निकलता इस गैस पर पकाने से, धुआं नहीं निकलता। इसके बजाय हम लकड़ी पर पकाएंगे तो धुआं निकलने लगता है ना बच्चों? तो हमें क्या करना, धुएं से बचने के लिए, हमारी हवा को पाक और साफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गैस का इस्तेमाल करना चाहिए, और पानी गर्म करने के लिए शमसी हीटर, इसको क्या कहते हैं, शमसी हीटर, इसे इस्तेमाल करने से हमें बिजली की बिल भी अदा नहीं करना पड़ता। और यहाँ पर ये शमसी कुकर है, और इसमें हम खाना पका सकते हैं, और ये शमसी चूल्हा है। देखो बच्चों, मादिनी कोयला यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल के बजाय, ये तमाम क्या है, मादिनी कोयला, पेट्रोल, डीजल, धुआं देने वाले, इसके बजाय हमें गैस ईंधन, शमसी तवानाई का इस्तेमाल करना चाहिए। शमसी तवानाई के माना क्या है बच्चों? सूरज की रोशनी में चलने वाले चीजें, तो इनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पर शमसी तवानाई, पानी से तैयार शुदा बिजली और बादी तवानाई का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी से जो करंट तैयार करते हैं ना, बर्फी, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके साथ साथ बादी यानी हवा से जो बिजली तैयार की जाती है, इन चीजों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पर बिजली से चलने वाली ये रेल है, ये धुआं नहीं छोड़ती, मालूम हुआ बच्चों, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखो बच्चों, इसे बादी तवानाई कहते हैं, ये पंखे है, ये क्या है, हवा में चलने वाले पंखे, इससे हमें बिजली तैयार की जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर दूसरी तस्वीर है, यहाँ पर गाड़ियों को मरम्मत किया जा रहा है। क्यों मरम्मत करना चाहिए? अपने गाड़ियों की मरम्मत करना, ताकि धुआं कम निकले। गाड़ियों की मरम्मत करने से क्या होता बच्चों? धुआं कम खारिज होता है। जब हमें बीमार हो जाते हैं तो हमें क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह हमारी गाड़ी अगर खराब हो गई तो फौरन हमें क्या करना चाहिए, मैकेनिक के पास ले जाना चाहिए और उसकी मरम्मत कराना चाहिए, ताकि वो धुआं कम निकाले। और यहाँ पर अशिया जलाया जा रहा है, या ऐसी जगह जलाया जा रहा है जहां पर आबादी हो, आबादी है उस जगह में अशिया जलाने से क्या होता बच्चों, हमें बीमारियां में मुब्तिला होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी अशिया को हमें क्या करना चाहिए, दूर दराज के इलाके में जलाना चाहिए। तो बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आलूदा हवा के असरात को जानेंगे। देखो बच्चों, अब हमें पढ़े हवा की आलूदगी और उसके रोकने के तदाबीर जाने। अब हमें क्या है, ऐसी हवा हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके हमारे ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, तो इसके ताल्लुक से हम हवा के असरात क्या है जानेंगे बच्चों, आप जानेंगे ना। देखो गौर से देखो इस तस्वीर को, यहाँ पर क्या, एक लड़की अपने आंखों को पोंछ रही है, क्यों? देखो, सोचो थोड़ा, जब धुआं हमारी आंखों में चला जाता है तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में जलन शुरू होता है। और यहाँ पर देखो, एक बच्चा खांस रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांस रहा है, दूसरी जगह सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और एक बच्चे को सर में दर्द हो रहा है। तो बच्चों, अब यहाँ पर देखो, अब हम आलूदा हवा के असरात के मुताल्लुक मालूमात करेंगे। ये आलूदा हवा हमारे जिस्म पर क्या क्या असर करते हैं, तो देखो बच्चों, इससे हमें चंद बीमारियां लाहक होती हैं, जैसे आंखों में जलन। देखो यहाँ पर तस्वीर में, आंखों में जलन, दिल की बीमारी। देखो बच्चों, दिल की बीमारी वालों के पास सिगरेट तक नहीं जलाना चाहिए, सिगरेट के धुएं से भी उन्हें हार्ट अटैक आने का अंदेशा होता है। और यहाँ पर देखो, सांस की तकलीफ। देखो बच्चों, यहाँ पर तस्वीर में भी है, सांस में तकलीफ हो रही है। इसके बाद क्या है बच्चों,
खांसी, दम्मा और क्या है बच्चों, कैंसर जैसी बीमारी। और जानवरों पर भी असर, इसका असर पड़ता है। जानवरों पर भी नहीं, इसके साथ साथ फसलों पर भी असर पड़ता है बच्चों, फसलों पर भी इसका असर पड़ता है। देखो बच्चों, दुनिया भर में फिजाई आलूदगी यानी हवा की आलूदगी एक खतरनाक मसला बन गई है। इससे हजारों अमवात हो रहे हैं सालाना, 7 मिलियन कबल अज वक्त अमवात होने लगे हैं। तो बच्चों, आप तमाम इस हवा के ताल्लुक से जान चुके हैं, हवा की फहरिस्त को जान चुके हैं, हवा के खसूसियात को मालूम कर चुके हैं, हवा की आलूदगी को देखे हैं और क्या है, आलूदगी की रोकथाम भी मालूम कर चुके हैं। इसके बाद क्या है, आप आलूदगी और हवा के असरात भी। तो अच्छा बच्चों, अब मैं आपको चंद सवाल दे रही हूँ, इसके जवाब दो। तो सबसे पहले बच्चों, बात किसे कहते हैं? शाबाश, बात हवा को कहते हैं। क्या हवा दिखाई देती है बच्चों? नहीं, हम हवा को सिर्फ महसूस करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो बच्चों, हवा कहाँ है बच्चों? हवा हर जगह मौजूद है। बहुत खूब। अशिया के जलने के लिए क्या चाहिए? अशिया के जलने के लिए हवा चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं बच्चों। हवा की खसूसियात क्या है बच्चों? हवा वजन रखती है, शाबाश। हवा जलने में मदद देती है, शाबाश। हवा जगह घेरती है, बहुत खूब। बच्चों, आप अच्छी तरह से जान चुके हैं, तो आपको मैं तजुर्बे के तौर पर घर पर काम देती हूँ। आप करके लाएंगे ना घर पर काम? शाबाश। देखो बच्चों, यहाँ पर गुब्बारा, तुम क्या करो, घर में जाकर अपने बड़ों की निगरानी में, अपने बड़ों की निगरानी में इन तीन तजुर्बों को करके देखो। गुब्बारे में हवा भरकर और एक गुब्बारे से हवा निकालकर मालूम करो कि हवा वजन रखती है या नहीं। करेंगे ना बच्चों? करेंगे या नहीं? वेरी गुड, करना चाहिए। करने से क्या होता, तुम्हें मालूमात हासिल होते हैं। जो मैं आज पढ़ाई हूँ वो आप घर में जाकर जरूर करके देखना और बड़ों की निगरानी में करके देखना आप। तो दूसरा बच्चों, यहाँ पर क्या है, जलती हुई मोमबत्ती पर गिलास को औंधा डालकर थोड़ी देर बाद देखो, मालूम करो कि हवा जलने में मदद देती है या नहीं। करेंगे ना बच्चों? आप यहाँ देख चुके हैं, एक लड़का मोमबत्ती को लेकर जलाया है और उसे औंधा डालकर थोड़ी देर के बाद जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इसे देख चुके हैं आप, घर में जाकर इस तजुर्बे को बगौर करें। और तीसरा क्या है बच्चों, पानी से भरे गिलास पर कागज या ड्राइंग शीट का टुकड़ा लेकर इस पर रखकर औंधा करके देखो कि ढकेलती है या नहीं, हवा ढकेलती है। ये तजुर्बा पहले यूनिट में आप कर चुके हैं, तो इसे फिर दोबारा क्या है, आप रिपीट करने से क्या है, आपकी याददाश्त मजबूत हो जाती है बच्चों। आप क्या करेंगे, एक गिलास में पानी लेंगे, उसके ऊपर कागज रखेंगे और वो गिलास को औंधा करेंगे और उसके पकड़ कर देखने से मालूम होता है कि तुम्हारी गिलास का पानी नीचे गिरा या नहीं। अगर नहीं गिरा तो समझ लो कि हवा नीचे से ढकेल रही है। बच्चों, ये तीन तजुर्बों को आप बगौर घर में करके देखना चाहिए। करेंगे ना बच्चों? ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब यहाँ पर घर पर काम, घर पर काम में देखो बच्चों, ये तस्वीर है। यहाँ पर पहली तस्वीर में एक लड़का सवारी लेकर जा रहा है और पीछे से धुआं छोड़ रहा है। दूसरी तस्वीर में साइकिल चला रहे हैं बच्चे। तो इन दोनों में कौन सही है बच्चों? देखो, आप सही और गलत की निशानदेही करो। दूसरे तजुर्बे यहाँ पर गिर्दोगुबार को, कूड़ा क्रिकेट को आबादी वाले इलाके में जलाया जा रहा है और यहाँ पर क्या है, आबादी वाले इलाके से दूर तक ले जाया जा रहा है। तो इनमें दोनों में कौन सही है बच्चों, आप देखो। तीसरे में क्या है बच्चों, यहाँ पर रेल धुआं छोड़ रही है और यहाँ पर रेल क्या है, धुआं नहीं छोड़ रही है, ये बिजली से चलने वाली है। तो आप क्या जान चुके हैं बच्चों, इन दोनों में कौन सही है, कौन गलत है, इसकी आप निशानदेही करके तुम तैयार हो जाओ बच्चों नेक्स्ट क्लास के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अनुदिना अनुक्षणा मनेयल्लू कलियोणा कलिकेय होस हादियलि जोतेगूडि हेज्जेय हाकोण ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಯಿ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಟೀಚರ್ ಕಸನ್ ಮ್ಯಾಮ್